किसी न किसी कारण हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारी व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करें। इस लड़ाई को धैर्य के साथ आगे बढ़ाओगे तो देश का कोई भी ऐसा तानाशाह कभी जन्म नहीं लेगा, वो फिर एक बार गलती मानेंगे। जब हमारे बच्चों ने वहाँ पर मेडल लिए तो वहाँ पर हमारा तिरंगा फहराएगा, ये अपमान जो है हमारे तिरंगे का है। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। जिनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी, दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पैदा होगी। पहलवान वर्सेस ब्रजभूषण रण हुआ और भीषण। मुजफ्फरनगर के सोडम से खाप का ऐलान जंग। एक और बात देखो, समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा चाहे कुछ भी बात हो जाओ। वे बालक है, वे आंदोलनकारी नहीं है, आंदोलन तो ये समाज लड़ेगा। उन्होंने 40 दिन चला दिया, उनका धन्यवाद है। ये अपमान जो है महिलाओं का अपमान है, देश के तिरंगे का अपमान है। इसी स्लोगन के साथ में हम देश भर में जाएंगे। राष्ट्रपति से होगी मुलाकात, समझौते पर बनेगी बात। राष्ट्रपति से मिलेंगे, एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधि मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी एक खाप पंचायत। लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये तिरंगा जाति के थे। देश में जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसकी जाति है तिरंगा, ये उसके थे तिरंगे के। खाप पंचायत से टिकैत का इंटरनेशनल लड़ाई वाला ऐलान। जब तक न्याय नहीं मिलता हम जाएंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। उन्होंने कहा है ना कि आप गंगा में क्यों प्रवाहित करते हो, आप इंटरनेशनल नीलामी लगाओ इन मंडल जो मेडल है, और पूरी दुनिया इनकी नीलामी छुटवाएगी। जब बड़ा श्रेय जाएगा क्या भारत को। किसान आंदोलन के बाद अब खिलाड़ी आंदोलन। वे हताश हैं, पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में। तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश। ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी, अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। जो खाप के लोग निर्णय कर देंगे, जो सामाजिक लोग निर्णय कर देंगे, हम सारे नौजवान उस पर चलने का काम करेंगे। और ये बात कहकर जाते हैं, इस देश किसान आप हैं, इस देश का मान आप हैं, और वो बेटियां हैं। अगर उनके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपके साथ खड़े नजर। आपने खोला मोर्चा, कुरुक्षेत्र से होगा ऐलान। ये निर्णय भी यहाँ पे हुआ कि राष्ट्रपति जी से, होम मिनिस्टर से, जिन जिन से मिलना होगा, एक कमेटी हमारी खाप चौधरियों की बनेगी, इनके साथ में हम रहेंगे और हम पूरे देश भर में मीटिंग करने का काम करेंगे। और कल वहां पे कुरुक्षेत्र में जो और फैसले हुए, उन लोगों की सबकी सलाह से अपने फैसले कल वहां से डिक्लेरेशन करेंगे। खिलाड़ियों के दंगल पर ब्रजभूषण का फांसी वाला जवाब। पुलिस उसकी जांच कर रही है। जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, लगातार ये अपनी शर्तों को बदलने का काम कर रहा है कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी, दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पैदा होगी। ये लड़ाई इसी की है। पहलवानों पर फाइनल फैसले का काउंटडाउन। कुरुक्षेत्र की धरती से खाप का युद्ध घोष।